हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक टीम्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? तो मैं आप लोगों की लागू एक मैच कवर करने एमएलबी बेसबॉल लीग का। तो आज मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाया ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क। तो सीएचसी वर्सेस एसएलसी के बीच मैच होने वाला है 1 घंटे 35 मिनट के बाद गाइस। एंड इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी वो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर देने की, बट मैं टेलीग्राम चैनल पर बेसबॉल कवर नहीं करता क्योंकि मैं ओनली वीडियोज़ डालता हूँ बेसबॉल की एनालाइज करके। सो अगर कुछ रहे ना ऊपर नीचे देन प्लीज़ माइंड मत करना। और इस मैच की और मैं आपको बता दूँ, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए देखना। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करूं यहाँ से मैं इस मैच की, देन सीएचसी वर्सेस एसएलसी का जो मैच होने वाला है इसके अंदर मैं आउटफील्डिंग में लूँ तो जे हेवर्ड को यहाँ से लेने वाला हूँ। जे हेवर्ड जो प्लेयर है, जैसन हेवर्ड यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। साथ ही साथ जो लाइनअप्स आई हैं लिटिल बिट रॉन्ग भी थी, जैसे कि मैं प्रॉपर एनालाइज करने में थोड़ा असमर्थ था, लेकिन अब पूरी लाइनअप्स आ चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो मैंने जे हेवर्ड के बारे में बोला, ये कैप्टनशिप एंड वाइस कैप्टनशिप के लिए बहुत अच्छी पिक है। टी ओनील को मैंने छोड़ दिया बिकॉज उसकी फॉर्म थोड़ी बिगड़ी सी हुई है, तो टी ओनील की जगह लिया मैंने नेक्स्ट प्लेयर जो कि है डायलन कार्लसन। आप चाहें तो डायलन कार्लसन की जगह टी ओनील चुन सकते हैं, जो आपका मन कहे, जो आपके मन की फीलिंग्स कहे। अगर आपको ए ओनील के साथ जाना है तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग विद डी कार्लसन तो ये थोड़ा रिस्की है। तो अगर आप जिसके साथ जाना चाहिए, मुझे पता है बेसबॉल में काफ़ी लोग सेफ जाना पसंद करते हैं, तो मैं कहूँगा कि टी ओनील के साथ सेफ जाइए। आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जॉकी है जॉक पैटर्सन। जॉक पैटर्सन बहुत तगड़ी फॉर्म में आया था सेकंड लास्ट मैच के अंदर एसएलसी के खिलाफ, और आज भी जिससे मैच है वो भी एसएलसी टीम आ गई है। और इसने एसएलसी के खिलाफ पिछले 11 जून के मैच के अंदर सिंगुलर होम रन के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्ले बहुत अच्छा किया था। एंड आगे से बात करूँ इन फील्डर की, तो यहाँ से लूँगा ए रिजो को, तो एंथनी रिजो को यहाँ से मैं लेने वाला हूँ। एंथनी रिजो कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है, अगर ये चलता है तो नेचुरली 20-25 पॉइंट कन्फर्म होते हैं इस प्लेयर के, कन्फर्म। एंड आगे से बात करूँ एन एरेंडो की, तो यहाँ पे लूँगा नॉलन एरेंडो को, तो ये प्लेयर भी काफ़ी अच्छी फॉर्म पकड़ सकता है इस मैच के अंदर, क्योंकि ये प्लेयर को क्या है कि काफ़ी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा है कि लोगों ने एसएलसी के प्लेयर्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, एनालाइज ज़्यादा नहीं किया, तो वही मैं कहता हूँ कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की जो कि है पॉल गोल्डस्मिथ, तो ये प्लेयर भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया फॉर्म में रहेगा, लेकिन ये प्लेयर ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं। मतलब अगर आप होम रन की उम्मीद कर रहे हैं देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि क्रिकेट में जैसे बैटिंग ऑर्डर आता है, बेसबॉल में बैटिंग ऑर्डर नहीं आता, यहाँ पर चांस पे होता है। तो मेरे को लगता है शायद इसको चांस ना मिले, और अगर मिल भी गया तो होम रन की उम्मीद बहुत कम है। टी एडमैन की बात करूँ तो एडमैन पे मैं फिर एक बार भरोसा कर सकता हूं, बट अगर आप मुझे बोलेंगे इस पे भरोसा करना है तो यार आई थिंक मैं ना कर पाऊं, बट बुरा मत मानना। पिचर की बात करें तो पिचर से यहां से मैं ले के हैंड्रिक्स को, मैंने पहले ही हैंड्रिक्स चुना था एक्चुअली, क्या आप मेरा आप पहले भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह मैं आपको बताता हूं अनदर प्लेयर जो खेलना है। मैं आपको देखो साफ स्पष्ट बोलता हूं, ये आप देखो सारे ये सारे प्लेयर लाइनअप से आउट है, क्योंकि सिर्फ एक टीम से एक ही पिचर खेलता है, और मैंने जो पिचर चुनना है वो है सीएचसी का, क्योंकि अभी तक एसएलसी का कोई भी पिचर कंफर्म नहीं हुआ। तो कैचर की बात करूँ तो यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर जो कि है विल्सन कॉन्ट्रियासिस। ये प्लेयर कैचिंग में बहुत ज़बरदस्त है, तो यहाँ पर एसएलसी को होम रन के लिए मुश्किल आने वाली है। बात करूँ कैप्टन की तो कैप्टन है रिजो, एंड वाइस कैप्टन मैंने बहुत ही ज़्यादा रिस्की चुन लिया है जो कि है डब्ल्यू कॉन्ट्रियासिस। तो ये मेरी टीम, मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।